आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरीश छेदा के बारे में, जो कि वार्ड 8 के नगर सेवक है बीजेपी से। हमने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में हमारा सबसे पहला सवाल उनसे ये था कि सर, आप वार्ड 8 में 2017 से बीजेपी से नगर सेवक हो, तो आपके एरिया का डेवलपिंग कैसा है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डेवलपिंग के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, काफी सारे ग्राउंड बनवाए हैं, और मैं सबसे बड़ा काम बताता हूँ आपको कि भाव देवी ग्राउंड जो है, जो कि 12 एकड़ का है, जिसे बनवाने में मुझे काफी मुश्किल आई, लेकिन फिर भी मैंने हार ना मानते हुए उसे मुकम्मल किया। अभी दहीसर में काम चल रहा है बिल्डिंग पीओपी का, जिसे बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन काफी अच्छा कुछ मैंने उसके बारे में सोच रखा है। दूसरा सवाल हमारा ये था कि सर, जैसे कि आपको पता है कि इस बार बीजेपी से रमेश सिंह ठाकुर एमएलए उम्मीदवार थे, जबकि इस बार शिवसेना बीजेपी दोनों साथ मिलकर लड़े थे, तो उन्हें 15,000 प्लस वोट से जीतना था, लेकिन फिर भी वो 10,000 से अबाव वोट से हार गए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? बीजेपी से ऐसी कहां गलती हो गई जो जनता ने उन्हें इतने कम वोट दिए? तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना कहूंगा कि जो मलाड की जनता है वो मुस्लिम है, तो इसीलिए उन्होंने एमएलए असलम शेख को जिताया। और मैं ये कहूंगा कि रमेश सिंह ठाकुर का नाम नया है मलाड में, इसीलिए पब्लिक को उनको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो कुछ भी गलतियां हुई है हम इसे आने वाले समय में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हमारा तीसरा सवाल ये था, अभी चल रहा है शिवसेना से और बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, दोनों में से कौन सीएम बनेगा, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं ये कहूंगा, जहां तक मैं बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस को जानता हूं, तो वो काफी मेहनती है, उनका अब तक का अपडेट काफी अच्छा रहा है, इसलिए उन्हें बनना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि जो सेना से ठाकुर है, जिन्होंने 2.5 साल तक सीएम बनने की मांग रखी है, तो उनकी ये मांग गलत है। सर, जैसे कि आप 2017 से बीजेपी से नगर से हो, तो आपके एरिया का डेवलपिंग कैसा है, क्या क्या हुआ है? मैडम, पहले तो मैं समाज की खबरें हिंदी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आकर और मेरे से ये मेरे डेवलपमेंट के, मेरे वार्ड के डेवलपमेंट के बारे में मेरे से बात की। मार्च से लेकर अभी तक सतत मैं काम कर रहा हूँ और इस वार्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। भैया, ये सबसे पहले यहाँ की, इस वार्ड की बहुत सारी विशेषता है, यहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे गार्डन्स हमारे यहाँ। मैंने आने के बाद जो बड़े काम किए उनसे मैं प्रारंभ करूँ। यहाँ पे भाव देवी ग्राउंड लगभग 12 एकड़ का एक बहुत बड़ा भूभाग महानगर पालिका के बजेसर में प्लेग्राउंड का, जो बारिश आई उसके बाद उसके आजू बाजू के जो एरिया थे, शांति नगर, साईनाथ नगर, इंदिरा नगर, उसमें रोड पर लोगों के घर में 5-5 फुट पानी भर गया, और वो दृश्य अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आपका भी मन विचलित हो जाएगा। और मैंने निश्चय किया कि ये प्रोजेक्ट को मैं जितना गति दे सकूँगा उतना यहाँ के लोगों को आसानी होगी। और मैंने उस चुनाव में जनता को जो अच्छा लगता है उसको जनता वोट देती है। वहाँ के मलाड में भले हमने प्रचार में कोई कमी नहीं की, परंतु फिर भी मलाड के लिए रमेश सिंह ठाकुर एक नया नाम थे और असलम शेख को लोगों ने अधिक मत दी है। इसके डिटेल में हमारे बड़े नेता लोग एनालिसिस करेंगे, इसमें कहाँ कमी आई उसको हम भविष्य में पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि चुनाव में थोड़ा आगे पीछे होता है, पिछली बार हमारे राम बारोट जी ने फिर 2000 मत से शिवसेना सामने होने के बाद भी सीट गंवाई थी, इस बार इस सीट पर 10,000 वोट से हम शिवसेना साथ में होने के बाद भी हमारी हार हुई है। इसका एनालिसिस आने वाले समय में हमारे बड़े नेता करेंगे, मैं इस पर अधिक का बोल नहीं सकूंगा, परंतु मेरा ये तो निश्चित है कि अच्छी जीत उत्तर मुंबई में हमारे सांसद गोपाल सेठी जी ने जो काम किया है उसके ऊपर मोहर लगाते हुए आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में गोपाल सेठी जी को मलाड से लीड मिली थी, तो वहाँ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चाहती है
और इसीलिए वहां से गोपाल शेट्टी जी को भी लीड मिली थी। पर चुनाव में होता है कभी थोड़े मत अधिक मिलते हैं कम मिलते हैं, तब से बात कर रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक हूँ और मैंने देवेंद्र फडणवीस के धर्म को स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथी पक्ष के लोग भी हमारे साथ में आए और देवेंद्र फडणवीस जी के स्थिर सरकार महाराष्ट्र को दे, ये समय की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यही होगा। ये बात अलग है कि अभी दोनों शिवसेना के भी हमारे जो नेता हैं वो 2.5 साल के लिए सीएम पद की डिमांड कर रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि वो उनकी डिमांड वाजिब नहीं है और उनको अपनी डिमांड पूरी करना चाहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666474110। धन्यवाद।